This movie is encoded by Dr. Star. हम जब यहाँ पहली बार आए, हमने इस जगह को जन्नत का नाम दिया। यहाँ आने के बाद ही हमें यकीन हुआ कि जिस चीज की तलाश में हम यहाँ आए हैं वो यही है, सोना। लेकिन अब ये बीती हुई बात है। हेलो। नहीं, मैं कार में बैठी रहा हूं। हाँ नहीं, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जरा एक मिनट, हट जाओ बीच में से, हट जाओ। नहीं, वो यहां थोड़ा ट्रैफिक जाम है, पर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है। ओह, ताज्जुब होता है तुमने अब तक ठीक से झूठ बोलना भी नहीं सीखा। खैर, तुम फिर से लेट हो गए। वेल, तुम तो जानते ही हो, क्या करे, वक्त वक्त की बात होती है। अब बेकार में बहस करके कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, पता है, तुम्हारा गुलाम हूँ ना, तुम्हारे लिए अपना सारा काम छोड़कर आ गया। फिलहाल मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारा सेक्रेटरी बनकर आना पड़ रहा है, क्योंकि तुम अपनी छमिया जैस को प्रपोज नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल, तुम तो सब जानते ही हो। हाँ हाँ, यकीन नहीं हो रहा आज मैं इतनी देर तक सोता रहा। अच्छा, वो पहुंच गई होगी क्या? अरे पहुंची होगी तो क्या। और देख यार, मुझे ये बेकार की ट्रिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं आने वाला। ये क्या बात हुई, तुम कल तक तो राजी थे। देखो, तुम उस भूतिया रहस्यमय जगह में हमारे साथ आ रहे हो, मना मत करो, समझे। ये अपने कॉलेज के रिसर्च प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, और जैस वहाँ इसलिए जा रही है क्योंकि वो हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी की मेजर है, और शायद वो इस बात का पता लगा सकती है कि वो जगह इतनी डरावनी क्यों है। और फिर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तुम बेवकूफ हो। ओके, खैर मेरा वहाँ क्या काम है, मतलब मैं उसे क्या बताऊँ, मैं किस लिए जा रहा हूँ। जियोलॉजी, राइट? मतलब मैंने उसे बता दिया कि तुम्हें लगता है कि वहां सोना है और तुम उसकी तलाश में जा रहे हो। अब ऐसा ले, तूने उसे कहा कि मैं सोने की तलाश में आ रहा हूँ? मुझे तब और कुछ सूझा नहीं, तो मैंने तू दोस्त है या जला दे। सॉरी, उस वक्त जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। कमीने, तू नहीं सुधरेगा। अबे कितना बड़ा बेवकूफ है तू। अब जो कहना है कहो, मुझसे गलती तो हुई है। हाँ, शायद 8 महीनों से तू उस लड़की को सिर्फ घूरते चले आ रहा है, और इसलिए अब ऐसी ऊटपटांग हरकतें कर रहा है, और अब ये बकवास प्लान बनाकर यहाँ वहां लेकर जाने से वो तुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, और वो तेरी बाहों में आके तुझे प्यार की झप्पी दे देगी, ऐसा लग रहा है तुझे। हाँ अबे साले, तुझे बेवकूफ कहना मतलब बेवकूफ शब्द का अपमान करना होगा। अब बकवास मत करो, मेरी मदद करो। हाँ चल, ठीक है, मुझे लगा यही आसान रास्ता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है तू कायल। बहन अब चलो भी यार, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। जब वो कार में बैठेगी और उसे पता चलेगा कि हमारे पास खुदाई का सामान नहीं है, तब क्या करेंगे बे? खुदाई का सामान? वैसे क्या सामान लगता है? अरे पता नहीं, वो पावड़ा कुदाल ये सब लगता होगा। अरे जाने दे, वैसे भी हम सोने की तलाश में नहीं जा रहे, समझे।
अरे फिर भी यार खुदाई का कुछ तो सामान होना चाहिए, नहीं तो उसे हम पर शक हो जाएगा, बात को समझा कर। अब तो मेरा दिमाग मत खा, शांति से बैठा रहे यार, मैं सब संभाल लूंगा। लड़की के चक्कर बाबू भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज अब बस भी करो, प्लीज स्टॉप, प्लीज। तू तो प्यार में बावला हो गया है। अब तक ये आई क्यों नहीं, क्या पता आएगी। वो जरूर आएगी। हे, जब वो आएगी तुम बैक सीट पर बैठ जाओगे क्या? क्या बोला? प्लीज। अबे साले, तुझे पता है ना कि मुझे पीछे की सीट पर बैठना पसंद नहीं है। बहन, मैं उसे पीछे बैठने नहीं कह सकता, जरा समझा करो प्लीज। ठीक है, थैंक यू, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन, अपना मूड ठीक है। मेरा मूड ठीक है, तू अपना देख। कौन है? Hi guys, मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना। साथ में ये लंगूर कौन है? माफ करना, हम रात को देर से सोए इसलिए देर हो गई। चुप रहो। Hi Kyle. Hey. ये रॉब है। Hi. और ये बेन है, राइट? Hi. Hi, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। So? Okay. So, bags? हाँ, अपनी बैग्स यहाँ पीछे रख दो। ओह ओह ग्रेट, थैंक यू। थैंक्स। सॉरी। चल बे। अच्छा बेन, हम पीछे बैठ रहे हैं। आई मीन चलेगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। सीट को आगे खींच लो क्या जेस? इट्स ओके। तो दोस्तों, वहां पहुंचने में कम से कम कितना वक्त लगेगा? कुछ घंटे। तुम्हें पता है, कुछ घंटों में तो हम दोनों घर वापस जा सकते हैं और वहां हम दोनों फिर से। स्टॉप इट, तुम बहुत बेशर्म। चुप, चलो काय। हाँ चल, ओके लेट्स गो, वरना और देर हो जाएगी। शरारती हो गए तुम। ये कहानी क्या है रॉब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब, तुम कोई फुटबॉल प्लेयर हो या बॉक्सर हो, किस खेल में दिलचस्पी रखते हो? नहीं, मैं वो, दरअसल हाई स्कूल में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो खेलने का मेरा जोश और मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। शिट, बहुत बुरा हुआ। नहीं, तो अब क्या करते हो तुम? मैं डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहा हूँ। ये किस चिड़िया का नाम है डिस्क्रीट मैथ? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिस्सों की स्टडीज है। अब सुना तूने, ये भी कंप्यूटर का कीड़ा है, बिल्कुल तेरी तरह। अब मेरा मतलब जीनियस। ओह शिट, क्या हुआ गाइस? हमें पीछे से राइट टर्न लेना। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? जन्नत। ये जगह कैलिफोर्निया के सोने की खदान से रिलेटेड है, पर अब ये खदान कम और भूतिया स्थान ज्यादा लग रहा है। कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए ना? नहीं, बस और थोड़ा आगे चलना होगा, अगर चाहो तो। तो फिर चलो ना। इतनी दूर आए तो थोड़ी दूर और सही। अच्छा, वैसे बात क्या है? यहाँ एक पुरानी सोने की खान है शायद। हाँ, यहाँ से आधा मील दूर इस दिशा में। तो चले, तुम लोग आगे चलो, हम लोग आ रहे हैं। ए, तेरे जैसा लल्लू मैंने दुनिया में नहीं देखा। मानता हूं मैं, मुझे सपोर्ट करने के बजाय तुम रॉब से गपशप करने लगे। आखिर बात क्या है? वो तुम्हारे लिए इतना प्यारा हो गया क्या? तो क्या मैं भी तेरी तरह चार घंटे मुंह पर टेप लगाकर बैठा रहता? शिट, हम सब यहाँ क्यों आए हैं? हमारे किसी के भी यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। तुम जरा शांत रहोगे क्या? मुझे क्या लगता है कि तू इन सारी फालतू आइडिया से जैस का दिल जीतने में कामयाब हो पाएगा? बोलो।
हाँ और बोलूंगा, तेरी जैस को रॉब उड़ा कर ले गया ना, इसलिए तेरा दिमाग और सड़ गया है। उसे छोड़ दे कायल। अब ये देखो क्या है, बड़ी अजीब चीज है। ओ, वहां देखो। मैं इस पार्क में पहले भी आया। अच्छा? हाँ, अंदर अजीब गरीब जानवर है, डायनासोर भी है, यहाँ से टिकट लेकर अंदर जाना पड़ता है। चलो वापस चलते हैं। नहीं चलो अंदर चल के देखते हैं। मैं मजाक कर रहा। कितनी अजीब जगह है। कोई है? हेलो। ये साले काइल की अक्ल खास चरने गई है, पता नहीं कौन सी जगह पर लेकर आ गया। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे डॉक्टर ने कहा है दूसरों के घर खाना अच्छा होता है, तो क्या आपके यहाँ कुछ स्पेशल? हाँ मिलेगा, पर आज स्पेशल नहीं बना है। आज मेरा उपवास है। फिलहाल कुछ भी चलेगा। चलो हल्का हो जाते हैं, खुले में करने का मजा ही और है। चलो सोना ढूंढने चलते हैं। हाँ अच्छी बात है, चलो चलते हैं। वैसे अंदर जाना ठीक होगा क्या? ये जाने का बस एक ही रास्ता है, जरा हटो रॉब। हेलो अंदर कोई है? बेन रुको, कहीं टकराकर गिर जाओगे। क्या तुम्हें फ्लैशलाइट चाहिए? तुम्हारे पास है क्या? नहीं। अच्छा ध्यान देना। हाँ वो तो दूंगा ही। क्या तुम ठीक हो? अरे यार लग गए। तो सोना मिला क्या? खदान से सोना मिला? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं मुझे लगा हम अमीर हो गए। नहीं अब तक नहीं।
भेड़िए को? हाँ, वहाँ पर। कम ऑन, वो भेड़िया नहीं होगा। नहीं, वो भेड़िया ही था, वहाँ ऊपर देखा। तुझे एक भेड़िया और कुत्ते के बीच में फर्क पता है क्या? नहीं ना, चल टेंशन मत ले। ए, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखो यार, बस बहुत हो गया। मेरा मतलब हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो शहर चलते हैं, वहाँ चलकर खूब एंजॉय करेंगे, ठीक है? नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ आने में कितना वक्त बर्बाद किया और अब हम ऐसे ही जाएंगे? कम ऑन काइल, यहाँ आने का आइडिया तुम्हारा था, तुम हमें यहाँ लेकर आए, फैसला भी तुम्हें करना है। ठीक है, ठीक है। आगे तो ठीक है। बस और थोड़ी दूर, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। 2 मिनट बोलते बोलते घंटा लगा दिया। हम वहाँ एंजॉय करते। ओह, मैं बहुत एक्साइटेड। मैं फिक्र मत करो, वो देखो गाड़ी वहीं। अच्छा हुआ जो हम वापस नहीं जा रहे। एक तो बिना वजह यहाँ पर तू लेकर आ गया, ऊपर से भेड़िया है बोलकर तू डरा रहा है। ना बस भी करो, गलती तेरी है काइल। तू इतनी यकीन से कैसे कह सकता है कि वो भेड़िया ही था? वो कुत्ता या कोई और जानवर भी तो हो सकता है। ठीक है, तुम ही सही हो। अब चलो, ये सब छोड़ दे। जस के ख्याल में तू इतना खोया कि तुझे कुत्ते और भेड़िया के बीच का फर्क नहीं समझ में आता। आओ बैठो। तुम दोनों ने भेड़िया देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। सही नहीं लग रही है ना? मैं जरा डिक्की से बैग निकाल लूं। ओके, कम ऑन, जरा नजर मारते हैं। अच्छा कर लेती हो, तुम डर रहे हो। जैसे कहां कहां भटकना। तुम अपना मुंह बंद करने का क्या लूंगा? सच में क्या लूंगा, एक सिगरेट दे दे। ओ काइल, ये जगह बहुत लाजवाब है। यहाँ की कहानी क्या है? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इस जगह पर सालों पहले कुछ 39 लोग यहाँ घूमने आए और उन्हें शायद यहाँ सोने की खान मिली। फिर उसके 1 साल बाद ये पूरा इलाका सुनसान हो गया। ओ, इसके पीछे कोई राज है क्या? मेरा मतलब, यहाँ लोग आए, उन्हें सोना मिला, या शायद नहीं मिला, या वो हाथ मल के चले गए। ओ, कम ऑन, ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? मैं तो कहती हूँ टॉपिक बदलो और इस जगह का मजा लूटो। वो तो ठीक है जस, मगर तुम तो जानती हो जब किसी सवाल का सही जवाब नहीं मिलता तो वो बात हमेशा खटकती रहती है। हाँ, मैथ्स की तरह। तुम दोनों बोरिंग हो। पता है, तुम सही हो जैस, इस जगह को और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा रोमांस करते हैं। मैं आ रहा हूं। देख ले ये हनीमून। मैं तो कहता हूं कि तूने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अब तो ये। यार मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये सब यही खत्म हो जाए तो अच्छा है। और वैसे भी ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है।
हे हे, कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ। ठीक है, जब इरादा बदल जाए तब आ जाना। हाँ ठीक है, पहाड़ में जा। कमाल की है। बेन कहाँ है? वो बस थोड़ा नजर मारने गया है। तुम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली क्या? नहीं। क्या कह रहे हो? मुझे तो ये पूरी जगह इंटरेस्टिंग लगी। कोई ड्रिंक करना चाहेगा क्या? क्या मिलेगा? वेल, यहाँ अगर कुछ है तो सिर्फ धूल। इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं नहीं पीता। मैं तो पीऊंगा, ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है। तो पर ठीक है, ये लो। मजा आ गया। वाह क्या बात है, एक ही घूट में पी जाना। एक और जाम हो जाए। अपने हाथों से पिलाऊंगी तो जिंदगी भर पीता रहूंगा। चीयर्स। मेरे मुंह में धूल चली गई। अब शायद जिंदगी भर नहीं पीना चाहोगे। मैं पटियाला पैक नहीं पीता। उस कमीने काइल की वजह से मुझे यहाँ बकरों की तरह घूमना पड़ रहा है साहब। मुझे और मत भड़का काइल। अगर तुझे माफी मांगनी है तो सीधी तरह से मांग, पर ऐसी आवाज निकल कर मेरा दिमाग मत खराब कर, समझा? साला सुधरेगा नहीं, आज ही मेरे हाथों से मार खाने वाला है। यहाँ मेरे दिमाग की दही हो रही है और साले को मजाक सोच रहा है। अब बस भी कर काइल, बस भी कर। माफी मांगने तो सीधी तरह से मांग, वरना पहाड़ में जा। इडियट कहिया, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो ऐसी जगह पर आने के लिए राजी हो गया। मुझे और मत भड़का कायल। देखो, अगर तुम लोगों को अमीर बनना है तो एक काम करो, बाहर जो रेलवे ट्रैक्स है उन्हें उखाड़कर अपने साथ ले चलो और उन्हें रीसाइक्लिंग सेंटर में बेच दो। बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नो। तो ठीक है, जिंदगी भर सोना ढूंढते रहो। ओ हटो तुम भी ना। हे, संभल कर, अंदर कुछ भी हो सकता है। पता लगाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ मिला क्या? हाँ, मेरे हाथ में नहीं आ रहा। जिंदा है क्या? नहीं, वो हिल नहीं रहा तो इसका मतलब वो जिंदा नहीं है। तुम्हारे चेहरे देखो। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। देखो, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत महसूस हुई ना तो भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाना। मतलब मुझे भेड़ियों से खतरा होगा तो तुम मुझे बचाने नहीं आओगे? आऊंगा मेरी जान। झूठे, जाओ यहाँ से। आखिर अंदर है क्या? हाथ डालकर देखो, यहीं पर है। कुछ महसूस हुआ? हाँ। अगर हम ये प्लाई यहाँ से हटा देंगे तो। हाँ हाँ, इसे निकालना पड़ेगा। पकड़ कर खींच लो। हाँ,
शायद ये किताब या किसी की डायरी लगती है। हाँ। चलो इसे पढ़ते हैं। हम जब यहाँ पहली बार आए हमने इस जगह को जन्नत का नाम दिया। यहाँ आने के बाद ही हमें यकीन हुआ कि जिस चीज की तलाश में हम यहाँ आए हैं वो यही है। सोना, ये किताब 100 साल पुरानी लगती है। या ये कॉलेज के कुछ लड़कों की बदमाशी भी हो सकती है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये उनकी प्लानिंग हो सकती है। मैंने पहले भी कहा चीजों को थोड़ा पॉजिटिवली लिया करो। ये एक हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री। तुम्हारा फोन कहाँ है? वो मेरे बैग में, वहाँ कार में है। काइल जरा हाथ दो। क्या ऐसी हालत में इसे उठाना ठीक होगा? हाँ, यहाँ इसे इस हालत में छोड़ने से तो अच्छा है कि हम इसे हॉस्पिटल लेकर चलें। कम ऑन, इसे कंधे से उठाओ, पहले पीछे से पकड़ो। हाँ ओके बेन, हम तुम्हें उठा रहे हैं। ओके, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखो बेन, तुम्हें घर ले जाए, फिक्र मत कर, बस हो गया। आराम से बहन, आराम से, संभल कर बहन, संभल कर। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। मैं तुम्हें आराम से बिठा रहा हूँ बहन, आराम से। चलो चलो, चाबी लेकर आओ, जल्दी करो काय। सर संभालो, उठाओ इसे। मैं संभालता हूँ, मैं संभालता हूँ बहन, बहन आराम से। शिट शिट, संभल कर बहन, संभल कर। काय स्टार्ट करो। क्या करूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या? शिट, ये क्या, यहाँ तो वायर्स कटी हुई है। तुम कहना क्या चाहते हो? किसी ने यहाँ की वायर्स काट दी है। क्या इसे वापस नहीं जोड़ सकते? नहीं हो सकता, बहुत शॉर्ट है, वायर के टुकड़े भी नजर नहीं आ रहे। शिट, तुम्हारा फोन निकालो, फोन दो मुझे, जल्दी जल्दी। मेरा बैग कहाँ गया? यही तो था, मैंने यही तो रखा था तुम्हारे सामने ही, डिक्की से निकाल कर यहाँ रखा था बैग। हाँ मुझे याद है। तुम्हारे पास फर्स्ट एड किट जैसी कोई चीज है क्या? नहीं, नहीं है। डिकी में भी कुछ नहीं है क्या? नहीं है। तो अब क्या करें रॉब? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? चलो उठाओ इसे। हाँ। वैसे, हमें वापस वहीं जाना। चलो मेरी मदद करो, उठाओ इसे, उठाओ, कम ऑन, उठाओ, उठाओ। आराम से, तुम संभालोगे ना? चलो इसे नीचे रखते हैं। आराम से, संभल कर। बेन,
क्या तुम सुन रहे हो? जेस। बेन। जेस, इसका हाथ पकड़ो। किसी कहो कि तुम्हारा हाथ दबाए। अगर ये बोल नहीं सकता तो कम से कम हाथ दबाकर तुम्हारी बातों का जवाब तो दे सकता है। बेन, अगर तुम सुन सकते हो तो मेरे हाथ को दबाओ। ये सुन सकता है? रॉब, मुझे अपनी शर्ट दो। ये लो। थैंक यू। इजी, सब ठीक हो जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, तू ठीक है, तू ठीक है। इसका पूरा बदन कांप रहा है। जल्दी करो, मुझे शर्ट दो। कुछ नहीं हुआ है तुझे, कुछ नहीं हुआ है। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये ले, ओढ़ ले। अपने अपने हाथ इसके अंदर रख, ले अंदर रख। ये हुई रात, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। क्या ये नब्स तो धीमी चल रही है, पर ये अपने हिम्मत बनाए हुए हैं। हमें यहां से निकलना होगा। ये बात सुनने में तो अच्छी लग रही है, मगर क्या तुम बताओगे कैसे? हमारे पास ना ही कार है और ना ही फोन है। और यहां रहने से क्या फायदा होगा? बेन को हॉस्पिटल ले जाना है। हाँ, पर हमें ये भी नहीं पता बाहर क्या हो रहा है और किसने इसकी हालत की है। वो कहीं फिसल गया होगा या टकराया होगा। और मेरी कार के बारे में क्या कहोगे? अच्छा ठीक है, शायद तुम लोग डर गए हो, सोच रहे हो कि ये दोनों बातें किसी एक चीज से जुड़ी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है किसी ने जेस का बैग चुरा लिया, फिर तुम्हारी कार से छेड़खानी की, उसी दौरान बेन कहीं गिर गया होगा और फिर वो। ओके मैथ्समैन, मुझे ये बताओगे कि बेन की ऐसी हालत होने में और मेरी कार के बिगड़ने में क्या संजोग है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तो फिर तुम अकेले जाओ ना। हम यहां बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। बेन, बेन, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो ये। जानती हूँ, मगर क्या करें, हम उसे उठाकर हाईवे तक नहीं ले जा सकते, है ना? जानता हूँ। देखो, आज रात हम घर नहीं पहुंचे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शायद मंडे से पहले हमारे दोस्त भी हमें मिस नहीं करेंगे, शायद उसके बाद भी। सब ठीक हो जाएगा बेन, हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद कुछ करना होगा। कैसे? किसी को मदद के लिए जाना होगा। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? रॉब सही कह रहा है, बेन को डॉक्टर की जरूरत है और ये तभी मुमकिन होगा जब कोई बाहर मदद के लिए जाएगा। तो कौन जाएगा? मैं, जिसको यहां छोड़कर नहीं जा सकता, और वो अकेले बाहर भी नहीं जा सकते। तो तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? हाँ। अच्छा तो ठीक है, जैस और मैं साथ चलेंगे, और तुम यहां रुककर बेन का ख्याल रखना। सुनो, मैं कायल के साथ रहूंगी। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मुझे यहाँ हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहे हो। अगर तुम बाहर मदद मांगने जाओगे तभी हम यहाँ से निकलकर बेन को बचा पाएंगे। नहीं, मुझे नहीं पता बेन के साथ क्या हुआ, और मुझे नहीं लगता ये एक एक्सीडेंट है। ठीक है, हमें नहीं पता सच्चाई क्या है। हाँ यकीनन हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है, पर ये तो सच है कि बेन को मदद की जरूरत है, और तुम ये काम मेरे बिना ज्यादा जल्दी कर पाओगे। मैं यहाँ बेन का ख्याल रखूंगी और कायल मेरा ख्याल रखेगा। अब यही एक रास्ता बचा है। पक्का? Yeah, I'm sure. Yeah, I'm sure.
आई एम सॉरी जेस। किस बात के लिए? क्योंकि यहां आने का आइडिया मेरा था, इसलिए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर यहां सबको आने पर मैंने ही मजबूर किया। हाँ, पर यहां ऐसा कुछ होने वाला ये तुम्हें पता नहीं था। मैं सिर्फ जिम्मेदारी उठाने की बात करता हूँ। दरअसल जिम्मेदारी उठाने की काबिलियत नहीं है मुझमें। लगता है तुम्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वैसे क्या तुम मानती हो कि ये सब सच है? वैसे मानने का दिल तो नहीं करता, लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं लगता कि ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा कि उन्हें सोना मिला जैसे कि उन्हें उम्मीद थी। क्या इसमें यह भी लिखा है कि उन पर हमला हुआ था? वैसे आप इस किताब के मुताबिक कुछ 4 महीनों पहले इस जगह की जनसंख्या 150 से घटकर अचानक सीधे 30 पर आ गई। उनके झुंड ने हम पर हमला किया। भेड़ियों के झुंड ने हमला किया था उन पर। भेड़ियों ने? मैंने कहा था ना, मैंने एक भेड़ी को देखा। तुमने कहा था शायद वो एक भेड़िया है। भेड़िया है और उन्होंने यहां रहने वाले सभी लोगों को मारा है। शिट। ओह नहीं। अब क्या करें? क्या करें? ये टेबल लेकर आ। शिट। ये क्या? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? काय वो टेबल लेकर आओ। तुम तो कह रहे थे यहाँ भेड़िया नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आ गए? नहीं जाता ये भेड़िया कहाँ से आए। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? काय उस टेबल को वहाँ खिड़की पर लगा दो। Thank you.
मुझे नहीं पता। कहाँ गया वो? भेड़िये को देखा, तुम लोगों ने मेरा नक्शा क्यों नहीं? मैं मानता हूँ यहाँ भेड़िये हैं, पर इससे कुछ नहीं बदलेगा। हमें तुम्हारे दोस्त की जान बचानी होगी। तुमने उन्हें बाहर देखा नहीं क्या? वो हमें नोच कर खा जाएंगे। मैंने उन्हें देखा है कायल, हम उनका सामना कर सकते हैं। तुम क्या सोचकर ऐसा कह रहे हो? मैं जानता हूँ हम उनका सामना कर सकते हैं। की कोशिश कर रहे हैं। शिट, देर में रात हो जाएगी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अंधेरे में यहाँ खतरा और बढ़ जाएगा। ये क्या कह रहे हो रॉब? तुम्हें क्या लगता है हम बाहर जाने से सुरक्षित रहेंगे? काइल, वो भेड़िये हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाहर जाना मौत को दावत देना। बात सुनो, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि वो भेड़िये हैं, वो कुत्ते हैं, वो सिर्फ मामूली कुत्ते हैं। हाँ, ऐसे कुत्ते जो बड़े चालाक हैं, जिन्होंने मेरी कार की बैन बजा दी और बैन को जिंदा लाश बना दिया। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? डरने से कुछ नहीं होगा, एक मर्द की तरह हिम्मत रखो। यहाँ रहना इस मुसीबत का हल नहीं है, खास करके बेन के लिए। कायल, रॉब सही कह रहा है, अगर हम सोचेंगे कि वो सिर्फ कुत्ते हैं तो हमें उनसे लड़ने में आसानी होगी। कैसे समझूं? ये देखो, ये एक कुत्ते का काम है। एक कुत्ते के हाथों से मरते मरते बच गया और तुम लोग चाहते हो कि मैं उन भेड़ियों को कुत्ता मान लूं जिन्होंने यहाँ के तमाम लोगों की जान ले ली। अगर हम बाहर गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। बेन,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोषी मत मानो। मैंने इसमें कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमें यहां से निकलना होगा, उन्हें अंधेरे में दिखता है, हमें नहीं। बाहर जाना जरूरी है क्या? हम इस बात पर बहुत बहस कर चुके हैं काय, हम चाहे कुछ भी करें वो अंदर आ ही जाएंगे। हो सकता है 5 मिनट में नहीं, लेकिन 1 घंटे में वो अंदर आ ही जाएंगे। हम उन्हें नहीं रोक सकते, उनका इंतजार करने से अच्छा है हम यहां से निकल जाएं। बेन भी तो हमारे साथ है, हम उसे तेजी से उठाकर नहीं भाग पाएंगे, हम उनसे नहीं बच पाएंगे, हमें मार डालेंगे वो। कायल, बेन बच जाएगा। इसकी तरफ से नहीं जाएगा। ये पक्का है कि हम जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ठीक है, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज देंगे। रॉब, ऐसी बात मत करो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मुझे पता है ये डरा हुआ है, हम सभी बहुत डरे हुए हैं कायल, पर यहां रुकना तो हमारी मौत को दावत देना है। मगर हम बेन को भला यहां कैसे छोड़कर जा सकते हैं? कायल, हम फौज में नहीं हैं। अपने शहीद साथी को ले जाने वाले लोग फौजी लोग होते हैं, वो काफी ट्रेंड होते हैं। जब बेन जिंदा था तो भी हम उसे ले जा नहीं पाए, अब उसे ले जाने का क्या मतलब है जब उसकी लाश। वेट, आई एम सॉरी कायल। देखो, मैं जानता हूं ये गलत है, लेकिन हमारे पास यही एक रास्ता है। मैंने साबित कर दिया कि हम उन्हें मार सकते हैं, अब चलो भी, यहां रहने से कुछ नहीं होने वाला। हाईवे पर पहुंचकर कोई ना कोई मिल ही जाएगा, बस किसी भी तरह यहां से निकलना है। अगर हम यहीं रुके रहे तो हम भी बेन की तरह मारे जाएंगे। कायल, मैं यहां नहीं रहना चाहती, मैं चाहती हूं तुम बेन को छोड़ नहीं सकते, पर हमें जाना होगा। ठीक है, मेरे पास फ्लैशलाइट है, मेरी गाड़ी की डिक्की में है। गुड, जाते वक्त ले लेंगे। ठीक है। हम इस फ्लोरबोर्ड को तोड़कर यहां से निकलते हैं, ठीक है? हम बाहर इंतजार कर रहे हैं कायल। साथ साथ रहेंगे, एक घर से दूसरे घर जाएंगे, फिर कार के पास पहुंचकर फ्लैशलाइट लेंगे और इस जगह से निकल जाएंगे।
चलो उस घर में चलते हैं। दरवाजा बंद करो जल्दी। चलो ऊपर चलते हैं। ओह गॉड, लगता है यहाँ से बचकर निकलने के बजाय हम और फंसते जा रहे हैं। फिक्र मत करो, हम यहाँ सुरक्षित हैं। कार भी नजदीकी है, हम फ्लैशलाइट ला सकते हैं। हम इतने भी करीब नहीं कि वहाँ आसानी से पहुंच जाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम उन्हें चकमा देकर वहाँ पहुंचेंगे कैसे। हम जरूर पहुंचेंगे। गाड़ी की चाबियां कहाँ? डिक्की की चाबी कहाँ है? हाँ हाँ है मेरे पास। गाड़ी से फ्लैशलाइट निकालकर तुम कितनी जल्दी आ सकते हैं? पता नहीं, शायद देर लग सकती है। हिम्मत रखो कायल, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। मैं जाऊंगी, चाबियां मुझे दो, मैं जाऊंगी। शिट, नहीं, मैं जाऊंगा। प्लान क्या है? मैं उनका ध्यान हटाऊंगा, ठीक है? तुम कार के पास जाओ, फ्लैशलाइट और जो कुछ भी मिलता है उसे उठाओ और यहाँ वापस आओ, ठीक है? एक मिनट रुको, और मैं यहाँ इंतजार करती रहूं? तुम दरवाजे पर ध्यान देती रहो, हमारे लौटने तक तुम यहाँ सेफ रहोगी। तुम लोग पक्का हो गए? हाँ, हम जरूर आ जाएंगे। चलो। कायल, कायल, जैसे ही वो मेरे पीछे दौड़ेंगे तुम कार की तरफ भाग लेना, ठीक है? हाँ। हे इधर आओ, मेरे पीछे भागो, मेरे पीछे। चलो चलो, प्लीज
जल्दी से कुछ उठा लो। क्या उठाए? बाहर है। ये देखो, यहाँ जाए ना भाई जय। क्या? जलाने के लिए कुछ है क्या? लाइटर है। हाँ हाँ, वो मेरे बैग में है। हटो तू। हम तुम्हारा शिकार नहीं बनेंगे। रास्ता साफ है, अब हम वहाँ चल सकते हैं। इस बैग पर थूको। क्या? उन्हें तुम्हारी गन मिलेगी। वो गन की वजह से हम तक पहुंच रहे हैं। हम इसी से उन्हें चकमा देंगे। अच्छा, ये लो बैग उठाओ। हाँ, अपना खून इस बैग को लगाओ। क्या तुम दौड़ पाओगी? हाँ, पूरी कोशिश करूंगी। भाई, अपना दरवाजा थोड़ा खोल दो। उन्हें लगना चाहिए कि वो अंदर आ सकते हैं। क्या? दरवाजा खोलो ताकि वो अंदर आ जाए। अब यही एक रास्ता है हमारे बचने का। सब भेड़ियों को आने दो। ठीक है? ठीक है, तुम रेडी होना। ठीक है, हो दो रेडी होना। बंद करो इसे। मुझे लगता है आप वो यहां से नहीं जाएंगे। मगर कब तक यहां रहेंगे? पता नहीं, हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये इंसानों की हड्डियां हैं। हे जेस, संभल कर बैठ जाओ। बहुत कह रहा है क्या? इतना कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। बस हो गया हो गया। तुम खड़ी हो सकती हो? शायद, पर मैं भेड़ियों से बचने के लिए दौड़ नहीं पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। थैंक यू। किसकी बैग है? मेरी बैग है। ये लो। देखते हैं कुछ काम की चीज है क्या। अभी कोई फायदा नहीं। बैड लक गाइस, शायद मैंने सारी जरूरी चीजें अपने दूसरे बैग में रखी। सॉरी। एक जरूरी चीज है। अब तुम इस किताब में क्या ढूंढ रहे हो? अब शायद इसमें लिखा होगा कि वो भेड़िए से कैसे लड़े। मेरा मतलब, हो सकता है इसमें से जरूरी बात लिखी हो जो हमारे काम आए। अब किताब हमारी जान बचाएगी। हे, पढ़ने दो उसे। हमने रेगिस्तान के दिल में अपनी जन्नत बनाई। हमने जो भी सोचा वो किया और जो भी चाहा वो हासिल किया। लेकिन जन्नत को पाने की चाह में हमें एक कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि जन्नत हमारी अमानत नहीं है। और हम भेड़ियों को मारते गए ताकि हम इस जन्नत को महफूज रख सके। लेकिन ऐसा करने से बात और बिगड़ती गई।
वो भेड़िए खूंखार ना बनते अगर हम उनकी जगह से चले जाते हैं और उनकी आजादी उन्हें लौटा देते हैं। अब मुझे नहीं लगता वो हमें खत्म किए बिना यहां से जाने देंगे। तो क्या वो हमें भी जिंदा जाने नहीं देंगे? ये भी हो सकता है कुछ लोग बचकर गए हो और मैं भी बचने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। तुम्हारी ही वजह से हमारी यह हालत हुई है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? हाँ, नहीं जानता कि बेन की जान मेरी वजह से गई है। ठीक है, अब बस भी करो। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और मुझे यहां से बाहर निकालना, ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है। यहां की हर एक चीज पर उन भेड़ियों का अधिकार है क्योंकि वो यहां सबसे पहले आए थे। और तुम जो सोच रहे हो वो वही कर रहे हैं। वो हमसे लड़ रहे हैं और हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उनकी जान ले लेंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वो चाहते हैं कि हम यहां से जाएं। समझा करो, अपनी आजादी चाहते हैं रॉब। ठीक है, अब तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम बाहर जाकर उन भेड़ियों से बात करना चाहते हो? तुम उनसे वादा करना चाहते हो कि हम यहां दोबारा नहीं आएंगे और फिर वो हमें चुपचाप यहां से जाने देंगे? नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हमने भी वही किया था जो तुम्हारी इस किताब में लिखा गया है। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। वो हमें डरा कर भगा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हारी कार बिगाड़ दी, बेन को मार डाला और अब तुम्हें क्या लगता है उनका गुस्सा ठंडा हुआ होगा? वो अब हमें यहां से जाने देंगे क्या? नहीं। तुम जेस का ख्याल रखो, हो सकता है वो अंदर आने की कोशिश करे। किसी तरह उन्हें जेस से दूर रखना। तुम कहां जा रहे हो? मैं जरा डायनामाइट लेकर आता हूं। कार के पास आकर अपनी जान खतरे में डालकर तुमने मेरी मदद की। बिल्कुल, तुमने भी तो की। पहले मेरे पैर पर पट्टी बांधी, उन भेड़ियों से मुझे बचाया। यही चीजें हमें और करीब लाती है ना? मुझे कभी कहा क्यों नहीं? क्या तुम जानते हो कि मैं क्या पूछ रही हूं? रॉब तुम्हारे साथ था? मेरा मतलब उससे पहले जब हम एक साथ पढ़ा करते थे तब मुझे लगा कि तुम मुझसे चाहा तो था मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं क्यों। कम से कम मेरे बारे में सोचा तो सही। हाँ, मेरा मतलब
यही तो मैं करता रहा हूं, सोचने में मौका गवा दिया। वैसे तुम और रॉब, मतलब दोनों एक कैसे हुए? उसने तो सीधा देखते ही मुझे प्रपोज किया। अच्छा हाँ, मगर मेरा मतलब क्या, वो तुम्हें भी पसंद है? हाँ, मतलब वो एक बहुत अच्छा इंसान है और हम कुछ ही महीनों से डेटिंग कर रहे हैं, तो हमारे कुछ खास कमिटमेंट्स नहीं है, हम बस एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सुनकर हर चीज आसान लगने लगती है, जैसे कि कुछ भी नामुमकिन ना हो। पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कुछ चीजें काश मैं कर पाता। अब देखो ना, कुत्तों की बात ले लो, काश मुझे उनसे बिल्कुल भी डर ना लगता। मेरी ये बात सुनकर मुझे कोई भी पागल समझेगा, मगर ये कायल, तुम पागल नहीं हो। देखो, एक कुत्ते ने तुम पर अचानक हमला किया, तुम्हारी जान जा सकती थी, तो इसमें तुम्हारा डरना बिल्कुल जायज है। क्या कभी किसी लड़की ने तुम पर हमला किया है? नहीं। वैसे तुम लड़की हो, तुम्हें लोगों के आगे सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लड़की हो। ओके, यू आर राइट। लेकिन एक बार ऐसा भी वक्त आया था कि जब मुझे अपने आप को सफाई देनी पड़ी थी। क्यों? फोर्थ ग्रेड, कूपर ब्रांड। हुआ क्या था? ही सेड नो, क्योंकि 10 साल की उम्र में मैं आलू से भी ज्यादा भद्दी लगती थी। बिल्कुल, मैं मजाक कर रहा हूं। हाँ, वैसे तुम्हारा कहना सही है, मैं लकी हूं। सॉरी, मैं लेकर आ गया, अब चलो यहां से। और भेड़ियों का क्या? मुझे लगता है शायद उनकी पूरी फौज यहां नहीं है, यह हो सकता है उनमें से बहुत से सो गए हों, क्योंकि जब मैं बाहर गया किसी ने मेरी आहट नहीं सुनी। तो अब क्या करना है? चलो ऊपर चलो, बताता हूं। एक रास्ता तो है यहां से बचकर निकलने का। और वो रास्ता क्या है? वो झोपड़ी दिख रही है वहां झील के पास, वो संरक्षित है। हाँ, और शायद उसके पीछे ही हाईवे है। तो ठीक है, हाँ। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और इन भेड़ियों को मैं अपने पीछे यहां लाऊंगा और उनके चिथड़े उड़ा दूंगा। ओके। जरा संभल कर आना।
हम पहुंच गए कम से कम यहां तक। अब क्या? तुम लोग यहीं रुको, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, हमें उनकी जान लेने की जरूरत नहीं है। बेकार में खतरा मत मोलो, चुपचाप चलते यहां से। हम हाईवे से 3-4 किलोमीटर दूर हैं। तुम ऐसी हालत में वहां पहुंच पाओगे? कायल फिक्र मत करो, ये भेड़िए नहीं जानते कि हम वहां से निकल चुके हैं। तुम फिक्र मत करना, मैं आ जाऊंगा। ओके, मैं वापस आ जाऊंगा। देखा, रॉब तुम्हारे पीछे। जेस, ओह माय गॉड, ये कर क्या रहे हैं? वो हमें दिखा रहे
कि इस कहानी का अंत कैसे होगा। हमारा भी यही हाल होगा। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। पर कैसे निकलेंगे? रॉब के प्लान के मुताबिक। रॉब का प्लान? उनकी तरफ देखो कायल, हमारे साथ ही मर चुके हैं। अब उनकी मौत ही हमारी जिंदगी है और शायद मुझे पता है मुझे क्या करना है। शायद पता है मतलब? देखो, हम ऐसी बुरी मौत नहीं मरेंगे। हम घर जरूर जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती कायल। और मैं भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जरूरत नहीं है। जरूरत है, और वैसे भी वो सिर्फ कुत्ते हैं, है ना? गुड लक। मेरे पास नहीं है। वो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा? ये चालाक है। इसे अच्छी तरह पता है कि ये क्या चीज है।
इसलिए मेरे पीछे दौड़ते हुए उस घर में नहीं आया। तो क्या ये हम पर हमला नहीं करेगा? अगर खुद भी जीना चाहता है तो नहीं करेगा, ये सिर्फ अपनी आजादी चाहता है। This movie is encoded by Dr. Star.